देश की राजधानी दिल्ली में सालों से पेंडिंग पड़े नगर निगम के वार्ड के चुनाव, जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी के मेयर शैली ओबेरॉय की तरफ से दिए जा रहे थे एक्सक्यूज पर रातों रात जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दखल दी और बदल दिया शैली ओबेरॉय का फैसला। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दखल के बाद अब दिल्ली नगर निगम के लिए आज ही हो रहे हैं वार्ड समिति के चुनाव और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आज चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों से पहले ही जो है वो यानी कि दिल्ली के एलजी की बढ़ा दी गई हैं ताकतें। और आपके लिए बता दें कि लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार जो है वो नजर आ रही है, पर यहां पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जब दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मंगलवार को पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से इनकार कर दिया, तो ऐसे में एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में दखल देते हुए नगर निगम के अधिनियम के मद्देनजर आयुक्त यानी कि अश्विनी कुमार को चुनाव कराने के निर्देश दे दिए और आम आदमी पार्टी की मेयर का फैसला बदल दिया। और इसी के लिए आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबेरॉय का डर जो है वो इसीलिए सामने आ रहा है और इसीलिए वो चाहती थी कि स्थायी समिति के चुनाव जो हैं वो ना कराए जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि इन तमाम चीजों का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा और अगर बीजेपी जीत गई तो उनकी हैसियत महज रबर स्टैंप बनकर रह जाएगी, यानी कि आम आदमी पार्टी की अगर बीजेपी जीत जाती है। हालांकि एमसीडी अधिकारी ने साफ कर दिया है कि चुनाव आज ही होंगे। देखिए, चुनावों की प्रक्रिया लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो भी हॉल सेंटर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इसी के साथ देखिए, जहां एक तरफ 10 बजे से चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि शाम को 4 बजे तक चलेगी, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के अध्यक्षों के चुनाव कराए जाने के लिए कल रात ही एलजी ने आदेश जारी कर दिया था। एमसीडी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि 12 वार्ड समितियों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव की अनुसूची पहले ही तय की जा चुकी है। चूंकि महापौर ने बुधवार को चुनाव निर्धारित समय पर होने के बावजूद उक्त चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को नामित नहीं किया था, इसीलिए अब व्यापक जनहित में तथा नगर निकाय को लोकतांत्रिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। आपके लिए बता दें कि 2022 में हुए थे देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव और उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से जो बाद के काम रह गए, बाद में अध्यक्ष चुनने से लेकर तमाम चीजें जो रही वहां पर हमेशा ही जो है वो देरी आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई, जहां तक कि मेयर ने प्रेसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति भी नहीं की, जिसके इससे पहले दिल्ली की मेयर ने यह तक कहा कि पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से इनकार कर दिया था और उनकी उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक यानी कि ये जो चुनाव हैं ये अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं है। साथ ही उन्होंने नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू करने और नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह दिए जाने की बात कही थी, पर इन तमाम चीजों को बदल दिया गया दिल्ली के एलजी की तरफ से। और इसीलिए आपके लिए बता दें कि अब आम आदमी पार्टी का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आखिरी समय पर एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे आगे बढ़ाने से रोक दिया और आज जो है ये चुनाव हो रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी का यही डर है कि अगर इन चुनावों में बीजेपी जीत जाती है तो उनकी हैसियत जो है वो कम हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज एलजी की तरफ से ये फैसला लिया गया है या फिर चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी में ये जो अनबन दिखाई दे रही है ये पहली बार नहीं है, बल्कि अब तो एलजी की पावरों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसमें वो कई कामों को लेकर हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कल रात ही इन चुनावों का फैसला बदल दिया है। के इसी के साथ लगातार बीजेपी
बीजेपी की जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो हार मान चुकी है। उधर शैली ओबरॉय के फैसले और चुनाव पर संशय के बादल मंडराते हुए देख दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल ने कहा था कि नगर निगम वार्ड समितियों के चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त ना करके मेयर शैली ओबरॉय और आम आदमी पार्टी को न केवल वार्ड समितियों में बल्कि स्थायी समितियों चुनाव में भी हार स्वीकार कर ली है। और विपक्ष के नेता अब ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के 2 साल बर्बाद कर दिए हैं, वार्ड में विकास कार्य जो हैं वो ठप पड़े हैं और ऐसी स्थिति में नर अगला नियम यानी कि नगर नियम आयुक्त और असंवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम बात करें बीजेपी के नेता रेखा गुप्ता और बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, इनके भी बयान जो हैं वो आज सामने आए हैं। देखिए, एक तरफ चुनावों की प्रक्रिया जारी है जिस पर बीजेपी के नेताओं की भी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता और पार्षद जो हैं वो सेंटर पहुंच रहे हैं एमसीडी के। तो इसी के साथ जो रेखा गुप्ता है उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 2 साल बर्बाद कर दिए गए, और आज की अगर बात करें तो चुनावों को लेकर बीजेपी में खुशी दिखाई दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम इन चुनावों को जीतेंगे। देखिए, पिछले लगभग 2.5 साल से इतनी बुरी स्थिति नगर निगम की हुई है जो कि इतिहास में अपने आप में एकमात्र एग्जाम्पल है। आज तक एमसीडी के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ एमसीडी के इतिहास में कि 2 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ना बनी हो, जोनों के चुनाव ना हुए हो, बजट ना अलॉट किया गया हो और दिल्ली में निगम ने काम ना किया हो। ये पहली बार आम आदमी पार्टी के राज में यहाँ हो रहा है कि आज स्टैंडिंग कमेटी बनने के लाले पड़े हुए हैं, जोन के चुनाव ये लोग करवाना नहीं चाहते और जो संवैधानिक पोस्ट है मेयर की उसके तक के लिए इंतजार हो रहा है कि नॉमिनेशन भरने के बाद भी इस साल के लिए मेयर डिप्टी मेयर चुने नहीं गए हैं। तो ये काम तो केवल केजरीवाल सरकार ही कर सकती है जो हो रहा है। देखिए, चुनाव होने के बाद सारे रिजल्ट आप लोगों को पता चल जाएंगे, परंतु इतना जरूर मैं कह सकती हूँ कि प्रत्येक पार्षद इस सरकार से दुखी है, इनकी अकर्मण्यता से दुखी है कि एमसीडी में जब पार्षद काम नहीं कर पा रहे अपने क्षेत्रों में, उन्हें बजट नहीं मिल पा रहा, कमेटी नहीं बन पा रही, स्टैंडिंग कमेटी की पावर नहीं हो पा रही, इसके कारण से पूरी दिल्ली ठप पड़ी है, काउंसलर खफा हैं, परेशान हैं, उसके कारण से रिजल्ट कुछ भी हो। और कुछ इसी तरीके की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का भी बयान सामने आया है। देखिए, 12वें से हम मेजोरिटी पे जीत रहे हैं और पक्का जीत रहे हैं, हमें विश्वास है, हमारे मेंबर्स हैं उसके अंदर, और जीत कर पिछले 1.5-2 साल से जो नगर निगम के हमारे जो पार्षद थे जो अपनी वार्ड कमेटी में अपनी समस्याओं को नहीं रख पा रहे थे वे जाकर क्षेत्र का विकास करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के कारण रुके हुए थे, उन सब कामों को स्टैंडिंग कमेटी अंजाम देगी। देखिए, ये आंकड़ा बिल्कुल अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, 4 बजे तक स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनेगी। देखिए, ये कल का दिन नगर निगम के इतिहास के लिए काला दिन है। इससे 1958 में जब नगर निगम बनी थी तो प्रथम महिला महापौर बनी थी अरुणा आसफ अली जी, और आज दुर्भाग्य ये है कि जो अभी महापौर शैली ओबरॉय बनी हुई हैं, उन्होंने सारी परंपराओं को नियमों को ताक पर रख दिया और पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किए, और 2 दिन पहले कोर्ट में भी हाईकोर्ट में भी पहुंची और हाईकोर्ट से लताड़ खाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा आप हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहते हो, आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, पीठासीन अधिकारियों को घोषित ना करना लोकतंत्र का अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने। मैं जहां 1958 की अरुणा आसफ अली की याद किया जाता है कि पहले महापौर थी, ये ऐसी महापौर के बारे में बताया जाएगा कि जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वार्ड कमेटी के चुनाव में स्टैंडिंग के चुनाव में
ना बनने दे। और आपके लिए बता दें कि ये दोनों यानी कि एक तरफ रेखा गुप्ता हैं और योगेंद्र चंदोलिया हैं। यहाँ बीजेपी अपनी जीत को लेकर यानी कि वो कह रहे हैं कि हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं। वो इसीलिए भी इस बात को कह रहे हैं क्योंकि पिछले दो हफ्ते पहले ही आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हालांकि उसमें से एक पार्षद वापस अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी में चला गया, पर यहाँ पर फिर भी 4 के साथ जो है वो बीजेपी आगे है। यहीं पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आज अगर एलजी की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।